सब्सक्राइब करें विज्ञान टीवी इंडिया को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें विज्ञान से संबंधित वीडियो सबसे पहले। हम मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी हैं, इसलिए जिस दुनिया में हम रहते हैं उसे जानने और समझने की कोशिश हम हमेशा करते रहते हैं। हमारी यही जिज्ञासा कई दिलचस्प सवालों को जन्म देती है, जैसे यह ब्रह्मांड किस चीज से बना है, ये कैसे काम करता है, ये काम ही क्यों करता है इत्यादि। अगर विज्ञान के नजरिए से देखें तो फिलहाल इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी मौजूद है उसे समझने के लिए हम दो अलग अलग थ्योरीज का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहला है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तथा दूसरा है क्वांटम फील्ड थ्योरी। अगर इस ब्रह्मांड में मौजूद बड़ी वस्तुओं की बात करें, जैसे कि ग्रह, तारे, गैलेक्सीज इत्यादि, तो इनके व्यवहार तथा ग्रेविटी से इनके रिलेशन को समझने के लिए हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल करते हैं। जबकि एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर मैटर के स्ट्रक्चर और एनर्जी के इंटरैक्शन को समझने के लिए हम क्वांटम फील्ड थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों ही थ्योरीज अपने अपने डोमेन में बिल्कुल सही तरीके से काम करते हैं। यानी कि अगर कोई वस्तु बड़े आकार की है तो वहाँ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम करेगा, और अगर कोई वस्तु आकार में काफ़ी ज़्यादा छोटी है या और उसका मास काफ़ी कम है तो क्वांटम फील्ड थ्योरी काम करेगा। पर इस ब्रह्मांड के व्यवहार को समझने के लिए दो अलग अलग थ्योरीज क्यों? क्या हम कोई ऐसी थ्योरी नहीं बना सकते जो ब्रह्मांड में होने वाले हर तरह के घटनाओं को समझने में सक्षम हो, चाहे वो बड़े लेवल पर हो या फिर क्वांटम लेवल पर? भौतिकी शास्त्रियों की इसी सोच ने जन्म दिया एक नई थ्योरी को, जिसे हम स्ट्रिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी की खास बात यह है कि ये क्वांटम ग्रेविटी की बात करता है, मल्टीपल डायमेंशंस की बात करता है तथा बिग बैंग से पहले के ब्रह्मांड से जुड़े सवालों के जवाब भी हमें देता है, जो कि मॉडर्न फिजिक्स के लिए अब तक एक अबूझ पहेली बने हुए हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। इस ब्रह्मांड में पार्टिकल्स के आपस में इंटरैक्ट करने के तरीके और उनसे होने वाले प्रभाव का जब हमने करीबी से अध्ययन किया तो हमने पाया कि चाहे ये इंटरैक्शन कैसा भी हो, हम इन्हें चार फोर्सेस के रूप में बांट सकते हैं। इन फोर्सेस को फोर फंडामेंटल फोर्सेस कहा गया है, और ये इस प्रकार हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाए तो ये चारों फंडामेंटल फोर्सेज में सबसे कमजोर होता है, पर इसका रीच या दायरा सबसे ज्यादा होता है। इसके कारण ही सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं तथा चांद पृथ्वी का। अब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो इसे समझना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आम जिंदगी में हर दिन हम इसका अनुभव करते हैं। जी हाँ, मैं इलेक्ट्रिक तथा मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा हूँ। काफी अरसे तक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को दो अलग अलग फोर्स समझा जाता था, पर सन 1864 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने मैक्सवेल इक्वेशन के जरिए दोनों को यूनिफाई किया। उसके बाद सन 1940 में क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के कारण ये क्वांटम फिजिक्स का भाग बना। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो ये चारों फंडामेंटल फोर्सेज में सबसे शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि ये एटम के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को पकड़ कर रखता है। इसकी शक्ति का अनुमान आप हीलियम एटम से लगा सकते हैं, जिसके न्यूक्लियस में दो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन होते हैं, जो सेम चार्ज के होने के कारण एक दूसरे से दूर भागते हैं। इसके बावजूद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इन्हें न्यूक्लियस में जकड़े रखता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स भी एक ताकतवर फोर्स होता है, पर इसका रेंज या दायरा ज्यादा बड़ा नहीं होता। बीटा डीके जैसे फेनोमेनन इसी के कारण होते हैं। सब एटॉमिक लेवल पर इस ब्रह्मांड का कॉम्पोजिशन कैसा है तथा अलग अलग फोर्सेज कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हमें स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स काफी अच्छी तरीके से बताता है। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए जान लेते हैं कि स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स हमें क्या बतलाता है। इस मॉडल के अनुसार इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी मौजूद है वो 12 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से बनता है, जिसमें 6 क्वार्क्स होते हैं जिन्हें दिलचस्प नाम दिया गया है, जैसे कि अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, बॉटम और टॉप। उदाहरण के लिए प्रोटॉन्स 2 अप क्वार्क
और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। बाकी बचे 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स को लेप्टॉन्स कहा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, म्यूयॉन्स, ट्योन के साथ 3 न्यूट्रिनोज भी होते हैं। जिन 4 फंडामेंटल फोर्सेस की बात हमने आपको बताई थी, उसमें से 3 को स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स से आसानी से समझाया जा सकता है, क्योंकि इसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स इन फोर्सेस के कैरियर का काम करते हैं। जैसे अगर मैग्नेटिक फोर्स को समझने की कोशिश करें, तो एक चुंबक एक लोहे की पिन को अपनी ओर इसलिए खींचता है क्योंकि चुंबक और लोहे की पिन के बीच फोटॉन्स का आदान प्रदान होता है। पर ग्रेविटेशनल फोर्स अकेला ऐसा फोर्स है जिसे हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। दरअसल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ग्रेविटी जैसा कोई कॉन्सेप्ट अभी तक हमें मिला ही नहीं है। यानी कि अगर कोई ऐसी थ्योरी हो जो क्वांटम ग्रेविटी को प्रूव कर दे, तो हमें एक यूनिफाइड थ्योरी मिल जाएगी जिससे हम सारे फोर्सेस को एक्सप्लेन कर पाएंगे। पिछले कुछ दशकों में जितनी भी थ्योरीज दिए गए हैं, उनमें स्ट्रिंग थ्योरी मात्र एक ऐसी थ्योरी है जो क्वांटम ग्रेविटी को समझाने का दावा करता है। तो आइए जानते हैं कि यह कहता क्या है। मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एक कैंडल। अब अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि ये किस चीज से बना है, तो हमें मिलेंगे एटम्स। अब एटम्स के भी अंदर जाएं, तो हम देखेंगे कि इसमें भी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस का चक्कर लगाते रहते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अब अगर प्रोटॉन के अंदर जाएं, तो हमें मिलेंगे क्वार्क्स, जिससे प्रोटॉन्स बने होते हैं। यहाँ जाकर मॉडर्न फिजिक्स की सोच खत्म हो जाती है और हम ये मानते हैं कि क्वार्क्स ही मैटर का सबसे छोटा पार्ट है, इसलिए इसे और आगे तोड़ा नहीं जा सकता। पर स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि क्वार्क्स के अंदर भी एक एनर्जी मौजूद होती है जो हमेशा वाइब्रेट करती रहती है, जिसके कारण ये एक स्ट्रिंग या मेम्ब्रेन जैसा दिखाई देता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये स्ट्रिंग या एक क्लोज शेप में ही हो। दरअसल ये दोनों तरफ से खुले हुए भी हो सकते हैं, खिंचे हुए भी हो सकते हैं, तथा बिल्कुल सीधे भी। आपने देखा होगा कि एक सेलो में जब हम स्ट्रिंग्स को अलग अलग पैटर्न में वाइब्रेट करवाते हैं, तो अलग अलग आवाज़ें निकलती हैं। ठीक उसी प्रकार से जब ये स्ट्रिंग्स अलग अलग पैटर्न में वाइब्रेट करते हैं, तो अलग अलग पार्टिकल्स बनते हैं। यानी कि एक पत्थर और आप में अंतर केवल इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रिंग्स उस पत्थर में अलग तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं और आप में अलग तरह से। यानी कि अगर हमारे पास ऐसा कोई माइक्रोस्कोप हो जिससे हम इस ब्रह्मांड की सबसे छोटी वस्तु को देख सकें, तो हमें ये ब्रह्मांड कुछ ऐसा दिखाई देगा। हम ये देख पाएंगे कि हमारे चारों तरफ केवल स्ट्रिंग की तरह दिखने वाली एनर्जी मौजूद है जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। इनके अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने के कारण ही इस ब्रह्मांड में अलग अलग तरह के पार्टिकल्स बनते हैं, जिसके कारण यह ब्रह्मांड इतना विचित्र है। चूंकि संपूर्ण ब्रह्मांड और इसमें मौजूद हर वस्तु तथा हर फोर्स इन स्ट्रिंग्स जैसे दिखने वाले एनर्जी से ही बने हैं, इनकी मदद से हम सब कुछ समझा सकते हैं। यानी कि हमें एक यूनिफाइड थ्योरी मिल गई है। पर यह सब जितना आसान लगता है उतना है नहीं। दरअसल जब हम स्ट्रिंग थ्योरी के मैथमेटिकल इक्वेशंस को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि यह थ्योरी ऐसे ब्रह्मांड में काम नहीं करती जिसमें केवल 3 स्पेशियल डायमेंशंस हों। इसे काम करने के लिए ऐसा ब्रह्मांड चाहिए जिसमें 5 या 6 नहीं बल्कि 10 स्पेस डायमेंशन हो, और एक टाइम का डायमेंशन भी। चूंकि अब तक हम केवल ये जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में 3 स्पेशियल डायमेंशंस हैं तथा एक टाइम का डायमेंशन, ये थ्योरी इस ब्रह्मांड में काम नहीं करनी चाहिए। पर स्ट्रिंग थ्योरी के कॉन्सेप्ट से हम स्टैंडर्ड मॉडल को मैथमेटिकली डेराइव कर पा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ये थ्योरी सही भी हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये थ्योरी सही है, तो बाकी के 60 डायमेंशंस कहाँ हैं? अगर वो इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? स्ट्रिंग थ्योरी को मानने वाले ये कहते हैं कि डायमेंशंस 2 तरह के होते हैं। एक आकार में इतने बड़े होते हैं कि हम आसानी से उन्हें देख पाएं, जबकि दूसरे इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें देख नहीं सकते। उदाहरण के लिए अगर हम दूर से एक वायर को देखें, तो हमें ये 1 डायमेंशन ही लगेगा, पर इसी वायर पर चलने वाली चींटियों के लिए ये 1 डायमेंशनल नहीं लगेगा, क्योंकि वो इसके चारों तरफ घूम फिर सकती हैं। कहने का मतलब यह है, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि कई डायमेंशंस हमारे सामने ही हो पर हम उन्हें देख नहीं पा रहे हों। इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए मान लीजिए कि हम स्पेस टाइम के छोटे से छोटे डायमेंशंस में घुसते चले जाते हैं और अंत में इसके सबसे छोटे डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। इसमें जो सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है वो कर्ल्ड अप डायमेंशन है। अब अगर आपका साइज एक चींटी जैसा हो, तो आप बड़े डायमेंशन में भी जा सकते हैं, जो कि यहाँ स्क्वायर फॉर्म में दिखाया गया है, और आप उन छोटे कर्ल्ड अप डायमेंशन में भी जा सकते हैं जिसे सर्कल के रूप में दिखाया गया है। पर वहीं अगर आपका आकार काफ़ी बड़ा हो, तो आपको कर्ल्ड अप डायमेंशंस दिखाई नहीं देंगे। अब बात करते हैं क्वांटम ग्रेविटी की और जानते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी से इसका क्या लेना देना है।
दरअसल जब स्ट्रिंग थ्योरी अपने शुरुआती दिनों में थी, इसके मैथमेटिकल इक्वेशंस के आधार पर यह प्रेडिक्ट किया गया था कि एटम के अंदर एक मासलेस पार्टिकल होना चाहिए। पर कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी जब नेचर में हमें कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं मिला तो वैज्ञानिकों ने स्ट्रिंग थ्योरी को सीरियसली लेना छोड़ दिया। हालांकि उसके 4 साल बाद जब स्वार्ज स्ट्रिंग थ्योरी में मौजूद कॉम्प्लेक्सिटीज को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने पाया कि ये मासलेस पार्टिकल्स असल में ग्रेविटी को डिस्क्राइब कर रहे थे। इन्हीं पार्टिकल्स को बाद में ग्रेविटॉन्स का नाम दिया गया और ये माना जाता है कि ये ग्रेविटॉन्स ही हैं जो क्वांटम लेवल पर ग्रेविटी को कैरी करते हैं। यानी कि अगर स्ट्रिंग थ्योरी सही हुई तो क्वांटम फील्ड थ्योरी से हम सारे फंडामेंटल फोर्सेस को समझने में सफल हो जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि हमें एक यूनिफाइड थ्योरी मिल जाएगी। हालांकि अभी भी ये केवल एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल ही है, यानी कि हमें फिजिकली कोई भी ऐसा पार्टिकल अभी तक नहीं मिला है। स्ट्रिंग थ्योरी वाकई में दिलचस्प है, पर इसके भी कई रूप हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। अलग अलग लोगों ने अपनी समझ के आधार पर 6 अलग अलग स्ट्रिंग थ्योरीज बनाए हैं। इन थ्योरीज में बेसिक आइडियाज तो सब में सेम ही हैं, पर स्ट्रिंग के अलग अलग व्यवहारों के आधार पर ये थोड़े अलग हैं। इनमें से 5 स्ट्रिंग थ्योरीज में 10 डायमेंशंस की बात की गई है, जबकि 6 यानी कि बॉसनिक स्ट्रिंग थ्योरी में 26 स्पेस डायमेंशंस की बात की गई है। चूंकि ये सभी थ्योरीज एक से ही निकले हैं, इनके कॉन्सेप्ट के निचोड़ को हम एम थ्योरी भी कहते हैं। अब अगला सवाल उठता है कि क्या स्ट्रिंग थ्योरी सही है। चूंकि स्ट्रिंग थ्योरी ऐसे स्ट्रिंग्स या मेम्ब्रेन्स की बात करता है जिसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर सकते, इसे हम सही नहीं मानते। पर ऐसा भी नहीं है कि इसे हम पूरी तरह गलत मानते हैं। दरअसल ज़्यादातर भौतिकी शास्त्री इसे फिजिक्स की थ्योरी कम और फिलोसॉफिकल थ्योरी ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि इसे हम एक्सपेरिमेंटली टेस्ट नहीं कर सकते। स्ट्रिंग थ्योरी टेक्यून नाम के एक और पार्टिकल का भी प्रेडिक्शन करता है, जिसकी रफ्तार लाइट की रफ्तार से भी ज़्यादा है। चूंकि भौतिकी शास्त्री ये मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु लाइट की रफ्तार से ज़्यादा तेज नहीं चल सकती, स्ट्रिंग थ्योरी को वो मानने से इनकार करते हैं। अगर ग्रेविटॉन भी हमें किसी तरह से मिल जाए तो इस थ्योरी पर मुहर लग जाएगी, पर लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में भी अभी तक हमें कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं मिला है, जिसके कारण इस थ्योरी पर अभी भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। वहीं स्ट्रिंग थ्योरी को मानने वाले ये कहते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी बिल्कुल सही है, पर ये इतना जटिल है कि शायद हम इसे अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, जिसके कारण एनोमलीज बने हुए हैं। शायद हम इसे भविष्य में और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो इस ब्रह्मांड की हमारी पूरी समझ ही बदल जाएगी। कन्वेंशनल फिजिक्स के सारे नियम ब्लैक होल में फेल हो जाते हैं। उसी तरह वो ये बताने में भी सक्षम नहीं है कि बिग बैंग से पहले क्या था या फिर बिग बैंग क्यों हुआ था। इन सवालों का जवाब हमें स्ट्रिंग थ्योरी से मिलता है। अगर बिग बैंग की बात करें तो स्ट्रिंग थ्योरी को मानने वाले ये भी मानते हैं कि बिग बैंग होने से पहले 2 विशाल आकार के मेम्ब्रेन मौजूद थे, जिनमें 2 अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स मौजूद थे। चूंकि दोनों मेम्ब्रेन वाइब्रेट हो रहे थे, एक समय ऐसा आया जब उनके कुछ पार्ट्स एक दूसरे से टकराए। इसी टकराव को हम बिग बैंग कहते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी को मानने वालों का ये भी मानना है कि इन मेम्ब्रेन्स के आपस में टकराने का सिलसिला हमेशा चलता रहता है, यानी कि भविष्य में भी बिग बैंग जैसी घटना का होना निश्चित है। शायद बिग बैंग का यह एक्सप्लेनेशन आपको उतना संतुष्ट न कर पाए हो, क्योंकि काफी लोग इससे सहमत नहीं हैं, पर वो मानते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी की मदद से हमें इसका संतोषप्रद जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं विज्ञान के एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।